एवरीवन दिस इज आदि एंड यू गाइस आर वाचिंग द आदि ब्लॉग। सो गाइस अभी हो रहा है 3:56 इवनिंग के, ठीक है। और अभी मैं इंटरसेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज जो मैंने ब्लॉग बनाया था वो मैंने फेस कैम ज्यादा नहीं कर पाया था। क्यों फेस कैम नहीं कर पाया आप लोगों को आगे जाके पता लगने वाला है। तो गाइस आज का ब्लॉग काफी अच्छा होने वाला है, तो देखिए एंड तक जरूर देखना स्किप बिना करके, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आज का ब्लॉग क्या है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सोनपुर का सबसे फेमस फेस्टिवल, सबसे फेमस यात्रा जो कि हम यात्रा कहते हैं, महाबली यात्रा, हमारे सोनपुर के जो राजा थे उनके टाइम से ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमल्स का सेक्रीफाइस होता है, वो थोड़ा सेंसिटिव है, इसी वजह से वो बातें हम नहीं करेंगे। आप लोगों को आज वही मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं सोनपुर में रह रहा हूँ और वही नहीं दिखाया तो फिर क्या दिखाया, ठीक है। हमारे अर्ली मॉर्निंग होता है वो, मतलब मिडनाइट, ऐसा कुछ अर्ली मॉर्निंग कहेंगे या मिडनाइट कहेंगे मुझे नहीं पता, पर 3 बजे शुरू हो जाता है। तो ये समझ के मैं आज अलार्म लगाया था, क्या करें उठ नहीं पाया, ठीक है। सो गया था मैं, तो बाद में आंटी ने मुझे उठाया कि तुझे देखने जाना था ना, तो मैंने उठ गया जल्दी जल्दी, साइकिल को लेकर के मैं जल्दी चला गया, ठीक है। खैर चलते हैं, देखते हैं मतलब हमारे द महाबली यात्रा में क्या क्या होता है, मतलब काफ़ी कुछ देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ब्लॉग के अंदर क्या क्या है, क्या कैसे कैसे होता है द महाबली यात्रा, ठीक है। तो गाइस मैं वहाँ पर 5:40 के आसपास पहुँच गया था और आप लोग भीड़ देख सकते हो, मतलब बहुत हो गए थे, काफ़ी हो गए थे यार, ठीक है। तो अगर मैं जल्दी जाता तो मुझे अच्छे से और भी ज़्यादा शूट करना होता, मतलब कर पाता, ठीक है। तो क्या करें, सो गया था, लेकिन उस दिन का सही है भाई, क्योंकि अगले साल के हिसाब से इस बार बहुत लेट हो रहा था, तो अच्छा भी हुआ मुझे जल्दी जाके वहाँ पर, फालतू में टाइम वेस्ट करना होता ना, तो ये उस वक्त भी जाके मैं काफ़ी कुछ अच्छा शूट कर पाया। देख सकते हो लोग रेस देख रहे हो, तो महाबली यात्रा का बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ये सिर्फ सोनपुर के लोग नहीं है, बाहर से भी आए हुए हैं लोग, क्योंकि भक्ति श्रद्धा इतना है, मतलब मन्नत मांग के आते हैं यहाँ पर। एंड गाइस मुझे इतना इसके बारे में पता नहीं था, ये सडन प्लान हुआ मुझे, मैं मतलब एक दिन पहले मैं चला गया था शूट करने के लिए, पर उस दिन बड़ी यात्रा नहीं था, ये लगभग 15 दिनों का होता है प्रोग्राम।
आई होप यू गाइज आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो मैं जितना मुझे पता था आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करना, ताकि आप लोगों का कमेंट में मैं पिन कर सकूं और आप दूसरों को पता लग पाएगा कि क्या है एक्चुअली बलि यात्रा, क्यों होता है। ठीक है, तो मैं ये हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि बेसिकली तो जो हमारे यहाँ का है सबको पता है द महाबली यात्रा क्या है। मैं बाहर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे सोनपुर में द महाबली यात्रा जो है जो कैसे होता है, किस तरह से होता है। ठीक है गाइस, तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और अच्छा अच्छा कर पाऊँ ब्लॉग। ठीक है, तो मैं पहले जब शुरू किया था तो थोड़ा अच्छा नहीं कर रहा था, मुझे देख के भी हंसी आती है भाई, मैं पहले इस तरह से ब्लॉग बना रहा हूँ। अभी तो मैं सीख चुका हूँ बहुत कुछ, तो आगे जाके बहुत ही अच्छा अच्छा होने वाला है गाइस। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मिलते हैं गाइस और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए चिल ट्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।